हेलो हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है यहाँ पे केमिकल गुरुजी और आज हम लोग आए हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में। आज देखेंगे क्वेश्चन किसका है, बट उसके पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए हमारी एंटायर टीम से। ये हमारी एंटायर पीसीएमबी की टीम है जिन्होंने मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल पे बना के रखे हैं आप सभी के लिए बहुत सारे लेक्चर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। कोई भी सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे चार्ज नहीं है। यूट्यूब पे हम बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं यहाँ पे। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट को विजिट कर सकते हो, जहां पर भी सारे वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी magnetbrains.com ने अपना हिंदी चैनल कर दिया है लॉन्च, जहां पर आपको अब वीडियो लेक्चर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री, वो भी हिंदी में। तो इसी बात के साथ में जल्दी से हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन है 8B12 दत्तात्रेय साहू। ओके, बड़ा ही यूनिक सा नाम है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार ये देखो ना, क्या होता है कि ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत पूछते हैं। बट देखो होता क्या है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। एक लाइन तो हर बार कॉमन मान के चलो। क्या लाइन कॉमन मान के चलो? जब कभी भी आप ऑर्गेनिक की बात करते हो और इसके कंपेयर में इनऑर्गेनिक की बात करते हो, तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि ऐसे मैक्सिमम कंपाउंड, ठीक है, ऐसे मैक्सिमम कंपाउंड क्या यार, सभी में बोला जाए, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन का एटम कंटेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। और अगर मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि ऐसे जो मैक्सिमम कंपाउंड होंगे, ठीक है, ऐसे मैक्सिमम कंपाउंड जो कि कंटेन नहीं करते हैं कार्बन के एटम को, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहां अगर कोई बोलता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर मैं बात करता हूं स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में? वो कहलाएगा हमारे पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छे से लिख ही लेते हैं यार, स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में? वो कहलाएगा हमारे पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं कि सर ये स्टडी कैसे करी जाए। तो देखो स्टडी हमारे पास में तीन लेवल पर होती है। सबसे पहला जो लेवल होता है वो आपके पास में आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड नेचर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस पे स्टडी करना पड़ता है कि जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा वो दिखाई देता है, उसका शेप कैसा होता है, या फिर बोला जाए उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। साथ ही साथ में जो बॉन्ड नेचर होता है, ये एक्चुअली बॉन्ड पैरामीटर की कहानी है। बॉन्ड पैरामीटर मतलब क्या? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम इस बात की स्टडी करते हैं कभी भी केमिस्ट्री के अंदर। तो जब कभी भी ये सारी स्टडी होती है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो दे आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट, फिर उसके बाद में आता है डी ब्लॉक एलिमेंट, तो अगर मैं इस तरह के एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड की स्टडी करता हूं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद में आप स्टडी किस पे करते हो? आप स्टडी करते हो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारे
पांच सेंसेस के द्वारा चेंज होती हुई दिखाई दे, जैसे आंखों से दिखाई दिया कलर बदल गया, कानों से सुनाई दिया कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई जिसमें चढ़चढ़ चढ़चढ़ आवाज आई, जैसे तुमने फुलझड़ियां जलाई हैं, जैसे तुम लोगों ने बम फटाके फोड़े, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तुम्हारी आंखों से भी दिखाई दे रहा है कि चमक निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, चेंज हो रहा है। बम जो है वो फटके फ्लावर हो जा रहा है, इधर उधर कचरा बिखर जा रहा है, तो आंखों से चेंज दिखाई दिया। कानों से सुनाई दिया उसके फटने की आवाज। फिर उसके अलावा जब बम जला तो उसके जलने की जो स्मेल थी, जो बारूद की जो गंध थी, वो भी हमें वहां पर फील हुई, तो हमारी नाक ने उस चीज को क्या करा, सेंस करा। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंदा काम करने का शौकीन है तो वो क्या करता है, वो बोलेगा कि बोले सर बम को फोड़ने से पहले भी बारूद को चख लिया और उसके बाद में बम फूट गया तो सुतली बम के पीछे भाग रहा है, डब्बा खोल के उसका भी बारूद चाट रहा है, कि बोले दोनों में डिफरेंस क्या था सर, मैं देखूं तो सही। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास में किस में आ जाएगा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। और पांचवा सेंस जो हमारे पास होता है वो होता है स्किन। जनरली जो हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग चेक करके देखते हैं, चेक करके सबसे पहले क्या देखते हैं, मोबाइल। मोबाइल कैसे चेक करके देखते हैं, मोबाइल चला रहे हो बढ़िया, तुम लोग गेम खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते मोबाइल बहुत गर्म हो गया, तुम्हें हाथों में फील होने लग गया कि मोबाइल गर्म होने वाला है, अब क्या बोलते हैं कि रख दो मोबाइल, रख दो नहीं तो हाथों में फट जाएगा, और उसके बाद में गेम वेम गया तेल लेने। तो जब भी ऐसे पांच सेंसेस के थ्रू तुम्हें अगर कोई चेंजेस पता चलते हैं तो वो किस में आएगा, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। फिर अगर मैं बात करता हूं थर्ड एनालिसिस पे, तो वो क्या चलेगा हमारे पास में, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को जब चेक किया गया, तो वहां पे जब ये चेकिंग होती है तो वो चेकिंग आती है किसके अंतर्गत, वो आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। देखो क्वेश्चन तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, ये है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडीज को कहा जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडीज को कहते हैं। अब वो स्टडी कैसे की जाती है, वो स्टडी इन तीन लेवल पर की जाती है। पहला क्या, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या बॉन्ड पैरामीटर या बॉन्ड नेचर, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और तीसरा क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। और अगर तुम ये लिखते ना सर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते, सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते, उनमें डिफरेंस बताओ, तो फिर हम यहां पर 8-10 डिफरेंस छाप देते कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन दिखी तो ऑर्गेनिक, ऐसा ऐसा सिचुएशन दिख गया तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पर ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों ही केमिस्ट्री की ब्रांच है, एक में ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, एक में इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, इजी सा हुआ, क्लियर हो गई बात, तो बस ये इतनी सी ही कहानी होती है। और इतनी सी कहानी पूरी होने के बाद में हम लोग यहां पर बात करेंगे जो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी, magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट आपके पास में अवेलेबल है, जहां पर आप खुद को फ्री रजिस्टर करके यहां पर प्रेजेंट जितने भी कंटेंट है सभी को फ्री एक्सेस कर सकते हो। सारे वीडियो लेक्चर आपके पास में फ्री हैं, जिनका कोई भी कॉस्ट नहीं है, आपको सिर्फ magnetbrains.com की साइट पर जाना है, जिस भी फैकल्टी का लेक्चर आपको सिलेक्ट करना है उस पे करो वॉच नाउ पे क्लिक, और उस फैकल्टी के द्वारा बनाया गया सारा कंटेंट हो जाएगा आपकी आंखों के सामने अवेलेबल। ये कुछ ऐसा है कि तुम लोगों ने चिराग रगड़ा और वहां से जिन निकलकर बोलता है हुकुम मेरे आका, बताइए क्या आदेश है, तो ऐसी कुछ कहानी हो जाती है। इसके अलावा जो शुरुआत में बात की थी कि magnetbrains.com और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल भी अवेलेबल हो गया है, तो अब तुम्हारे पास में हिंदी में भी बहुत सारा फ्री वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके इस चैनल को भी लाइक कर दो और जल्दी जल्दी शेयर करा करो ताकि तुम्हारे दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फटाफट फुर्ती से वीडियो को कर देना शेयर ताकि तुम्हारे दोस्त भी यहां कमेंट करें और उनके कमेंट को पिक करके हम उनकी यहां फोटो लगाएं और फोटो लगा के उनके क्वेश्चन का दें आंसर। तो बस इसी नोट के साथ में केमिकल गुरुजी करते हैं अपनी बातों को एंड, तो बोला जाएगा क्या कि चलिए खत्म करते हैं।